अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज़ नताशा अली। और इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ मैं अपने पहले चैनल का। पहला जिंदगी का चैनल बनाया मैंने बहुत हिम्मत करके, यू नो। आप लोगों को पता है कि मैं इंस्टा पे भी अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करती हूँ एक्सेप्ट माई सेल्फ। लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस मुझे बाहर मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं अबाउट माई स्किन, अबाउट माई वर्क, अबाउट माई पर्सनल लाइफ, और मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं मेरे शूट्स के अलावा, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मैं क्या करती हूँ और किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ, और मेरा खाना पीना क्या है, मैं कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ, मैं अगर एक्सरसाइज करती हूँ तो वो कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं शूट पर जाती हूँ तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, हम लंच में क्या खाते हैं, हमारे लिए रिफ्रेशमेंट क्या आती है, हमारी प्रोडक्शन कैसी होती है, और हमारे को आर्टिस्ट का सेट पर कैसा हम लोग माहौल बना के रखते हैं, और कौन बहुत ज़्यादा कपता है और कौन बहुत ज़्यादा स्वीट होता है ऑन सेट, ये सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट रह सकते हैं, नताशा अली 110 ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जानने के लिए। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कराने के लिए एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों को बताने के लिए कि स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक पर मैं बात नहीं करूँगी या मैं वीडियोज़ नहीं लेकर आऊँगी कभी भी। बात मैंने क्या करनी है, मैं जर्नलिस्ट थोड़ी हूँ। वीडियोस में जो बनाऊंगी, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है मेरी माशाल्लाह बहुत सालों से, और मैंने अकेले बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, मैं वो भी अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग अकेले ट्रैवल करने से डरते हैं तो मैं वो भी बताना चाहूँगी कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अबाउट माई वर्क, उस पर तो मैं हमेशा बात करूंगी ही। मैं छोटे छोटे अपने वीलॉग्स बनाती रहूंगी ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शूट पर जाने के लिए मैं खाना क्या खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज जो करती हूँ वो मैं डेफिनेटली उन सब लड़कियों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इनफैक्ट बॉयज़ के साथ भी जो कहीं बाहर जाकर एक्सरसाइज जिम करने का टाइम नहीं होता, फोर्स मेरे पास भी नहीं होता। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं बहुत फ्री हूँ, आई मीन बहुत सारे दिन फारिग होते हैं मेरे पास, और अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो बैलेंस नहीं है कि मैं कोई एक जिम ज्वाइन करूँ और वहाँ पर रेगुलर जा सकूँ। तो मैंने घर पर ही एक एक्सरसाइज शुरू की हुई है पिछले कोई 3-4 सालों से अपना वेट मेंटेन रखने के लिए, और डाइट भी ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में बारी बारी। आप लोगों को पसंद आए अगर तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। तो बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आएगा, और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, अभी तो शुरू किया है। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।